भारतीय वायुसेना आज अपना 28वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमान इस दौरान अपनी ताकत दिखाएंगे। आपको बता दें, हिंडन एयरबेस पर परेड की शुरुआत हो गई है। सेना की तीनों टुकड़ियों के प्रमुख के अलावा कई वरिष्ठ अफसर भी परेड स्थल पर पहुंचे हैं, जबकि सीडीएस बिपिन रावत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने यहां सबसे पहले गॉड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया। ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।